आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आगामी सितंबर अक्टूबर माह में इंदौर में नगर निगम के चुनाव होने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एवं भाजपा से टिकट के दावेदार अभी से सक्रिय हो गए हैं। वहीं अनेक प्रमुख सामाजिक हस्तियों द्वारा भी राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे समाज के लोगों के टिकट की मांग की जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को इंदौर प्रेस क्लब आए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना ने कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे मराठी भाषियों एवं समाज के लोगों को टिकट दिए जाने की मांग की। श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश प्रवक्ता सुनील खंडागले ने बताया कि सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने श्री तनखा से मुलाकात की। श्री कुंजीर ने कहा कि समाज के जो लोग पिछले अनेक वर्षों से निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें टिकट देकर पार्टी मराठी भाषियों एवं मराठा समाज को व्यापक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरा समाज एकजुट होकर पार्षद पद के उम्मीदवार को जिताने का पूर्ण प्रयास करेगा। सांसद विवेक तनखा जी इंदौर प्रेस क्लब में आए थे, आप लोगों ने भी विषय पर चर्चा की, क्या मुख्य विषय था? राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी से क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर जी के नेतृत्व में हमने मुलाकात करी और मांग की है कि नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसके अंदर मराठी भाषियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाए, यही हमने मांग करी क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर के नेतृत्व में। हमने देखा कि अधिकांश टिकट जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो मिलते हैं, पर कांग्रेस की ओर से मराठी भाषी लोगों को कम टिकट दिया था, क्या क्या किस तरह का आश्वासन मिला आप लोगों को? हमें राज्यसभा सांसद ने कहा कि विचार किया जाएगा और हमने भी कहा कि मराठा समाज हमेशा कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है, मांग की है, अब देखिए मांग कहाँ तक होती है उनकी।